आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, जहां हम लोग लास्ट वीडियो को छोड़े थे, जहां हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि ओम्स लॉ के एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर ड्रिफ्ट वेलोसिटीज, रिलैक्सेशन टाइम्स और करंट या फिर क्रॉस सेक्शन एरियाज के बीच में क्या रिलेशनशिप है। आज हम लोग एक टेक्निकल टर्म को डिफाइन करने जा रहे हैं जिसका नाम है करेंट डेंसिटी। अब करंट डेंसिटी क्या है तो समझा जाए। करंट डेंसिटी कहता है कि किसी कंडक्टर के किसी क्रॉस सेक्शन एरिया पर, सपोज अगर किसी कंडक्टर का यह एक क्रॉस सेक्शन एरिया है, इस क्रॉस सेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो करंट इन करेगा उसी को बोला जाएगा करंट डेंसिटी। मतलब कि करंट डेंसिटी जो होगी वो है अमाउंट ऑफ करंट जो क्रॉस सेक्शन एरिया में इन किया, ठीक है। और अगर क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करें तो क्रॉस सेक्शन एरिया हमेशा ही कट किए गए सेक्शन के परपेंडिकुलर होता है, तो इस परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में जो भी करंट यूज करेगा उसी को बोला जाएगा हमारा करंट डेंसिटी। और करंट डेंसिटी को आप इस तरह से भी दे सकते हैं, डी आई बाई डी ए और एन कैप कहने का मतलब कि उनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यूनिट। एक और कॉन्सेप्ट कहता है कि करंट जो है चार्ज कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करना। चार्ज कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करना मतलब है कि अगर किसी कंडक्टर के अंदर करंट का फ्लो हो रहा है तो करंट जो वैल्यू इन करेगी और करंट का वो वैल्यू जो उस कंडक्टर को लीव करेगा ये वैल्यू सेम है। सेम होने का मतलब है कि जितना चार्ज इन किया उतना ही चार्ज उस पर्टिकुलर टाइम रेफरेंस पे बाहर करेगा, लीव होगा। मतलब चार्ज किसी भी तरह से यहां पर एक्युमुलेट नहीं हो सकता, मतलब किसी कंडक्टर को कोई भी करंट चार्ज नहीं कर सकता। और इसीलिए कभी भी इलेक्ट्रिसिटी जाने के तुरंत बाद भी हम लोग कंडक्टर को टच करते हैं तो हमें झटका महसूस नहीं होता, जबकि उसमें चार्ज जा रहे हैं। बहुत सारे लोग का ये कन्फ्यूजन होता है कि करंट जा रहा होता है तो कुछ पल के बाद हमें ये महसूस क्यों नहीं होता, तो इसलिए नहीं महसूस होता कि वहां पर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो चार्ज कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करता है। और चार्ज कंजर्वेशन लॉ कहता है कि जो अमाउंट ऑफ चार्ज है जो इन करेगा और अमाउंट ऑफ चार्ज जो आउट लीव करेगा वो दोनों बड़ा होगा। दूसरी चीज गौर करने वाली बात है, करंट जो है हमारा, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने करंट के डायरेक्शन को डिस्कस किया था। डायरेक्शन क्या था? पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के अलोंग और नेगेटिव चार्ज के फ्लो के अपोजिट। करंट के पास डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड इन टर्म्स ऑफ एम्पियर में दिया। ये दो वैल्यू जो वेक्टर की डेफिनेशन हम लोग जानते हैं उसके लिए रिक्वायर्ड है, इवन दो करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, ये चीज हमारे माइंड में पता होना चाहिए। अब करंट स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ समझा। करंट स्केलर क्वांटिटी इसलिए है कि वेक्टर के एडिशन का एक कॉन्सेप्ट है कि जब एक या दो या दो से अधिक वेक्टर को एक में जोड़ा जाता है तो क्लोज लूप के लिए उनका टोटल सम होना चाहिए जीरो। मतलब अगर आपके पास मल्टीपल वेक्टर्स हैं और मल्टीपल वेक्टर्स को है तो मल्टीपल वेक्टर्स के अपने जोड़ने का एक अलग मेथड है स्पेशल एडिशन लॉ। ये नॉर्मल एडिशन मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी से नहीं जुड़ सकते डायरेक्ट मैग्नीट्यूड के साथ, बट करंट जो है कंजर्वेशन लॉ फॉलो करने के कारण, मतलब कि जितना इस जंक्शन पर जाएगा उतना ही आगे जाना है, उसके बाद उतना ही जाना है, उसके कारण इसे जो है मजबूरी वर्ष नॉर्मल एडिशन लॉ को फॉलो करना पड़ता है। नॉर्मल एडिशन लॉ मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, या नॉर्मली अगर एक बार में चार जगह से करंट जा रहे तो उसमें डायरेक्शन का कोई लेना देना हमें नहीं, हमको एक सीधी वैल्यूज को जोड़ देना। जैसे कि अगर एक ये जंक्शन पॉइंट है वहां से करंट ए आया, करंट बी आया और करंट सी आया, और यहां से करंट अगर डी जा रहा है तो हमें ये बोलना पड़ेगा यहाँ जो डी करंट है वो ए प्लस बी प्लस सी के बराबर होगा मैग्नीट्यूड।
जबकि वेक्टर के केस में हमें ये ऑरिएंटेशन के हिसाब से हमें इनका एक्स और वाई कंपोनेंट लेकर के सॉल्व करना होता है, और उसकी स्पेशल लॉ टेंस जो करंट फॉलो नहीं करता, और इसलिए करंट को कहा जाता है कि ये स्केलर क्वांटिटी है। एक्सेप्शंस के रूप में भी बहुत जगह बताया जाता है फिजिक्स में कि सारे क्वांटिटी जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है वो होते हैं वेक्टर एक्सेप्ट करें। पर अगर वेक्टर की डेफिनेशन को भी हम लोग करेक्ट कर दें तो हमारे पास कोई एक्सेप्शन नहीं होगी, और वेक्टर की डेफिनेशन ये होगा कि अ वेक्टर अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड डायरेक्शन एंड फॉलो वेक्टर स्पेशल एडिशन लॉ, और जो करंट फॉलो नहीं करता है तो करंट हमारा होगा स्केलर क्वांटिटी। बट अभी अभी जो हम लोगों ने एक टर्म डिफाइन किया करंट डेंसिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसीलिए हमने एक वेक्टर यूनिट वेक्टर को ऐड किया। अभी हम लोग देखेंगे कि इसके कॉन्सेप्ट की मदद से हम लोग किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो थोड़ा सा एक प्रॉब्लम लेते हैं प्रॉब्लम्स को, तो अब इस प्रॉब्लम को देखते हैं, जहां प्रॉब्लम के स्टेटमेंट को पढ़ने के लिए आपको सजेस्ट करेंगे कि आप वीडियो को पॉज करें और स्टेटमेंट को पढ़ें। करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया इफ A1 जो ग्रेटर है A2 से, देन फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन I1 एंड I2, J1 एंड J2, V1 एंड V2। और यहां दिया हुआ है कि R जो है वो करंट की बात कर रहा है, J है करंट डेंसिटी, और V जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चलो हम कंपेयर करते हैं कि किस तरह से इनके बीच में क्या रिलेशनशिप होगा, कौन बेहतर होगा, कौन कम होगा, बराबर होगा। तो कह रहा है कि करंट यहां से इन करके नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, मतलब कि एक तरह से बाल्टी के आकार जैसे कंडक्टर में इन कर रहा है। तो हमसे पूछा है करंट की रिलेशनशिप, तो हम अभी अभी एक स्टेटमेंट दिए कि चार्ज कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करेगा, मतलब जितना करंट इन करेगा उतना करंट आउट होगा। मतलब यहां पर हम कह सकते हैं कि यहां हमारा स्टेटमेंट होगा कि I1 जो है इक्वल टू I2, क्योंकि यहां चार्ज कंजर्वेशन लॉ को यूज। दूसरी चीज, J1 और J2 के बीच में रिलेशनशिप, मतलब करंट डेंसिटीज के, ऑब्वियसली करंट जो है परपेंडिकुलरली इन कर रहा है और आउट हो रहा है, तो डायरेक्शन को लेकर के समस्या नहीं है, लेकिन समस्या ये है कि J जो होता है वो है I/E, और जहां एरिया बढ़ जाएगा क्योंकि करंट हमारा सेम है, और एरिया जहां बड़ा रहेगा वहां J छोटा रहेगा, तो हमारा A साइड का वन साइड का जो एरिया है वो बेहतर है। इसका मतलब कि J1 छोटा हो जाएगा और J2 बड़ा होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर जिसका बेहतर वो वैल्यूज छोटा, और जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो वैल्यूज बड़ा हो जाएगा। और जिसके लिए हम लोगों ने देखा कि एरिया हमारा फर्स्ट पार्ट का बड़ा ग्रेटर है, इसलिए J1 वैल्यूज लेस हो जाएगी, और एरिया हमारा सेकेंड पार्ट का लेस है तो J2 वैल्यूज ग्रेटर हो जाएगा। अगली वैल्यूज कह रहा है V1 एंड V2 ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझते हैं, करेंट दोनों जगह बराबर है, ठीक है, और करंट दोनों जगह बराबर है, हमें वेलोसिटी का रिलेशनशिप देना है कि कहां पर होगा एरिया घट गया। रिलेशनशिप पर नहीं समझ पा रहे कि इस कॉन्सेप्ट से कैसे रिलेट करें, तो सिंपल सोचिए, आप नल से पानी को ऑन करते हैं और एक छोटा सा पाइप यूज करते हैं, जब तक उनका क्रॉस सेक्शन एरिया सेम रहता है तो जिस रेट से वहां से पानी चलता है उसी रेट से वो बाहर निकलता है, क्योंकि हम लोग वहां पर भी कंजर्वेशन लॉ को करते हैं, पाइप में पानी रुका हुआ नहीं रहेगा, वो जितना इन करेगा उतना ही बाहर। और आगे की अगर फ्रंट एंड पर हम लोग उसके एरिया को घटा दे, दबा दे करके, तो वेलोसिटी बढ़ जाती, मतलब एरिया घटेगा तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो यहां पर भी रिलेशनशिप उसी को यूज कर रहे हैं, चूंकि करंट सेम को पास कराना है तो अगर पतला रहेगा तो तेजी से पास कराना पड़ेगा, और बड़ा एरिया रहेगा तो धीरे धीरे भी जा सकता है। तो यहां पर रिलेशनशिप हमें निकला कि V2 ग्रेटर देन V2। तो क्वेश्चन के स्टेटमेंट को अगर लॉजिकली समझा है तो वो काफी आसान है। ये हमारा IIT का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो कि बेसिकली बेहतर एक क्लास के बाद ही ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है, और बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि ये बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट वाला है कि क्या हो सकता है नहीं हो सकता, बट सीधा जी कि अभी के लॉजिक पर ही ये प्रॉब्लम बन सकता। आगे हम लोग बढ़ेंगे जहां देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या टर्म्स है तो उसको समझा जाए। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर की वह कैपेसिटी या वो सकते वो वर्चू या वो सोच है
जिसके थ्रू वो किसी करंट के पाथ में एक बाधक बन सकता है, मतलब उसको रोकने की कोशिश करता है। अब ये चीज किस पर डिपेंड करता है, तो ये जो होता है किसी भी कंडक्टर के लिए उसकी साइज, ज्योमेट्री, उसके बाद उसका टेम्परेचर कंडीशन और खुद की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। तो इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस हम बोल सकते हैं कि किसी कंडक्टर के अंदर उसकी वो कैरेक्टर है जिस कैरेक्टर से वो करंट के फ्लो को रोकने की कोशिश करता है। अब ये जो रेसिस्टेंस है वो ज्योमेट्री के हिसाब से कहता है, आप सिंपल सोचिए कि किसी कंडक्टर ही है, कंडक्टर के अंदर रेसिस्टेंस को सोच रहे हैं, तो कहता है कि अगर एरिया ज्यादा होगा कंडक्टर में, क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा तो बाधाएं कम होगी, मतलब रेसिस्टेंस जो है वो क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब एरिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम। दूसरी चीज, अगर लेंथ ज्यादा, आप अगर किसी कंडक्टर के अंदर घुस करके जा रहे हैं और लंबी दूरी तय कर रहे हैं, तो जैसे जैसे लेंथ दूरी होगा उतना ज्यादा आपकी तकलीफ बढ़ती जाएगी, मतलब रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो हम अगर देखें यहां से कि केमिकल ऐसी कंडक्टर के अंदर, तो रेसिस्टेंस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कंडीशन अगर आपने बाकी सब चीजें स्टेबल रख दिया तो, और लेंथ के जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगा आप रेसिस्टेंस को बोल सकते हो कि रेसिस्टेंस भी बढ़े, इन दोनों को अगर मिक्स कर दे तो हम कह सकते हैं कि रेसिस्टेंस जो है वो एल बाई ए पर डिपेंड करेगा। एल है कंडक्टर का लेंथ, कंडक्टर लेंथ, और ए जो हुआ वो हुआ क्रॉस सेक्शन एरिया। अब अगर इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है प्रोबेबिलिटी साइन को हटा रहे हैं, तो R इक्वल टू रो एल बाय ए, और यही जो रो है इसी को बोलते हैं रेसिस्टिविटी। तो हम कह सकते हैं कि कंडक्टर के अंदर रेसिस्टेंस एक वर्चू है बाय विच इट ट्राई टू अपोज एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इटसेल्फ, और वो जो है एरिया के आप बोल सकते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल और लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जिसे हम मैथमेटिकली यूज करना चाहें तो लिख सकते हैं हम लोग कि रो एल बाय ए। ठीक है, अब हम लोग देखें कि इसका यूज करके ओम्स ने क्या बताया। तो ओम्स ने हमें एक ओम्स लॉ स्टेटमेंट दिया, जो क्लास नाइन्थ में भी हम लोग पढ़े, टेंथ में भी उसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा पढ़े। तो ओम्स लॉ ने क्या कहा कि किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर करंट फ्लो होता है तो वो करंट फ्लो अगर फिक्स टेम्परेचर पर हम लोग कर रहे हैं, टेम्परेचर को फिक्स करके, ओम्स स्टेटमेंट को समझ ले, ओम्स लॉ, तो किसी फिक्स टेम्परेचर पर किसी कंडक्टर के अक्रॉस अगर पोटेंशियल वी है, अगर पोटेंशियल ड्रॉप वी है, तो उसमें आई करंट जो फ्लो करेगा वो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, जो करंट फ्लो करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वी जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई, और इसी को ओम्स ने इस तरह से दिया कि यहां प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो इस फिक्स टेम्परेचर पर हमारा कॉन्स्टेंट जो आएगा वो आएगा रेजिस्टेंस। फिक्स टेम्परेचर की बात इसलिए कहा गया कि अगर टेम्परेचर को फिक्स नहीं रखेंगे तो रेसिस्टेंस वैल्यूज भी टेम्परेचर के साथ चेंज करेंगे, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं रेसिस्टेंस को, जिसे हम लोग एक बारी बारी से देखते हैं कि किस तरह से इसमें वेरिएशन आएगा। तो उसको देखने के लिए आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक देख लें कि एक एक्सपेरिमेंटल डिटेक्ट है रेसिस्टिविटी का, जो अगर आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट पढ़े हुए उस पार्ट से ये रिलेटेड है, इसलिए इस डेटा को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ताकि वो स्टेबिलेशन में जाने में हमें पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को देखना पड़ेगा। तो ये ऐसे ये चीज बता दें, ये केवल वैल्यूज को प्रूफ करने के लिए बहुत सारे एजम्पशंस को लिया गया, तो हम डायरेक्ट वैल्यूज भी करते हैं तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वैल्यूज आपको ईजी है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच के रिलेशनशिप से निकाल करके, उसके बाद हमने ड्रिफ्ट वैल्यूज की डेफिनेशन जो किया उसको यूज करके इन सब को डिराइव किया गया। तो रेसिस्टिविटी जो होता है किसी भी टेम्परेचर पर जो है वो है 2mme² tau, m जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और tau जो है वो है रिलैक्सेशन टाइम और e इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये एक फिक्स वैल्यूज एक्सपेरिमेंटल है, ये वैल्यूज को आप इसलिए लिख ले कि इनकेस अगर आपसे
कहीं बाय चांस किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है, तो आपको एक रिलेशनशिप का अंदाजा हो जिसके बेसिस पर आप इसे करेक्ट कर सकते। अभी हम लोग देख रहे हैं कि डिपेंडेंसी की रेसिस्टेंस हमारे किस किस पैरामीटर्स पर डिपेंड कर रहा है। तो इस डिपेंडेंसी में पहला होता है कि लेंथ, जिस डिपेंडेंसी को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि पहला पैरामीटर हमारा हुआ डिपेंडेंसी का लेंथ, पहला हुआ ऑन लेंथ ऑफ कंडक्टर। अब ये लेंथ ऑफ कंडक्टर किस तरह से कर रहा है, तो सिंपल से अगर हमारे पास एक सेम मटेरियल का बना कंडक्टर है और क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम, मान लिया जाए क्रॉस सेक्शन एरिया हमने कर दिया फिलहाल के लिए सेम स्टेटमेंट में, और एक की लेंथ एल है, एल वन है, और दूसरा कंडक्टर जो अगर हमें बोल रहा है कि ये एल टू लेंथ का लिया गया है ए ए, और इसकी लेंथ एल टू है, और अगर इसकी रेसिस्टेंस R1 है, तो हमसे पूछ सकता है कि R2 क्या होगा। मटेरियल सेम, मटेरियल सेम मतलब इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज या रेसिस्टिविटी जो हम लोग अभी डिफाइन कर रहे थे, तो वो सेम हो गया। जैसे ही आपको क्वेश्चन में बोले सेम मटेरियल सेम वायर सेम कंडक्टर, दैट मींस कि उसकी रेसिस्टिविटी आपने कॉन्स्टेंटली फिक्स कर दिया, अब फिक्स। तो आपको बोल रहा है कि अगर ऐसा कुछ रिलेशनशिप है तो क्या होगा, तो हम रेसिस्टेंस को अभी देख रहे थे कि रेसिस्टेंस जो होता है वो होता है रो एल बाय ए, और हमने मटेरियल सेम कर दिया मतलब कि इसको हमने फिक्स कर दिया। तो आर वन जो होगा हमारा है, आर वन जो है वो है रो एल वन बाय ए वन, और जो आर टू जो है वो है हमारा होगा रो एल टू बाय ए। ए टू ए वन हमारे पास बराबर है, तो हम यहां पर कर दे कि आर वन को रो एल वन बाय ए और आर टू को कर देते हैं रो एल टू बाय ए। रिप्लेसमेंट कैसे करते हैं, तो कांस्टेंट वैल्यूज का मान निकाल करके, तो आर टू ए बाय एल टू, और उस रो की वैल्यूज को यहां फिक्स कर दे, तो आर वन इक्वल टू लिख सकते हैं आर टू ए एल वन बाय एल टू इंटू ए। तो यहां से ए से ए कैंसिल, और हम कह सकते हैं कि आर वन बाय आर टू जो है वो एल वन बाय एल टू आर। मतलब अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ में जो चेंज करेंगे, तो लेंथ में चेंज के रेशियो से के हिसाब से ही रेसिस्टेंस के चेंज का रेशियो मिलेगा। यहां हमें जो रिजल्ट मिला है वो रहा आर वन आर टू इक्वल टू एल वन बाय। दूसरा हम देख रहे हैं ऑन एरिया, तो एरिया में देखते हैं कि एरिया पर क्या रिलेशनशिप हमें मिल रहा है। ऑन क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, तो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर देखे, एक कंडक्टर जिसकी हम लेंथ ले रहे हैं एल, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हमने रख दिया ए वन, और दूसरा एल लेंथ का ही कंडक्टर जो है जिसकी क्रॉस सेक्शन एरिया हम ले रहे हैं ए टू, और इसकी भी लेंथ हमने कर दिया ए। तो हमसे पूछ रहा है कि R1 और R2 में रिलेशनशिप क्या होगा, तो हम देखें R1 को क्या लिख सकते हैं रो L बाय A1, और यहां R2 को लिखा जा सकता है रो L बाय A2, और यहां से हम क्या कर देते हैं एक जगह से वैल्यू निकाल देते हैं, रो की वैल्यू निकाल रहे हैं, कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकाल देंगे जिसे रिप्लेस कर देंगे आर वन ए वन बाय ए, जब रिप्लेस कर दे रहे आर टू इक्वल टू रो की वैल्यू यहां से लिख रहे हैं आर वन ए वन बाय एल इंटू एल बाय ए टू, एल से एल कैंसिल, और हमें आ गया आर टू बाय आर वन इक्वल टू ए वन बाय ए टू। मतलब इस केस में जो रिजल्ट मिला
वो हमें मिल रहा है आर वन बाय आर टू इक्वल टू ए टू बाय ए वन, मतलब कि जस्ट इनवर्स एरिया का जो रिलेशनशिप लेंथ के रिलेशनशिप से हमें इनवर्स मिला। और यहां पर था पहले केस में लेंथ के केस में कि जो उन्हें रेजिस्टेंस का जो रेशियो था वो लेंथ के रेशियो में मिल रहा था, और यहां पर रेजिस्टेंस का रेशियो एरिया के रेशियो का जस्ट इनवर्स। फिलहाल इस वीडियोस के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, आगे के वीडियोस में इसके आगे के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।